हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट वेबसाइट यूजिंग फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का ये जो वीडियो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है मेरे चैनल में, क्योंकि आप में से बहुतों का ये प्रॉब्लम आता था कि अगर मैं कभी भी वेबसाइट बनाता तो आप देखो कि मैं खाली सिर्फ हेडर पार्ट बनाता था, मतलब कोई भी एक वेबसाइट का एक हेडर पार्ट। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था गाइस, माइक्रोसॉफ्ट का तो कंप्लीट बनाया था, लेकिन इसमें मैंने जो 3D वेबसाइट बनाया था इसमें सिर्फ हेडिंग बनाया था। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरा कंप्लीट वेबसाइट कैसे बना सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, वी हैव अ फुटर। एंड बहुतों को अब में से ये डाउट था कि मेन्यू को जब हम क्लिक करते तो दूसरे पेज पे कैसे जाते, तो वो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखो अबाउट अस का पेज एंड देन अगेन बैक टू होम पेज। एंड सबसे बेस्ट पार्ट गाइस, ये मैंने PHP में लिखा, तो आपको बैक एंड एंड डेटाबेस को भी अटैच करना था ना। तो आप देखो गाइस, आप सोच लो कि आपका एक अपना वेबसाइट है ये, ठीक है, www.something.com, और इसको आपने होस्ट किया एंड आप चाहते हो कि आपका कोई मतलब सर्विसेज उनको पसंद आ गया है एंड उनको वो चाहिए, तो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? तो गाइस डोंट वरी, मैंने उसके लिए भी इसमें बैक एंड से इसको अटैच करके रखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखता हूँ मैं इस तरीके से गाइस, थापा टेक्निकल कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ thapa@thapa.com। ये मेरा कोई अपना खुद का ऑफिशियल नहीं, बस ऐसे लिख दिया मैंने, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, चलता है। मोबाइल नंबर भी गाइस मेरा नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी मोबाइल नंबर। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज इट। एंड सो 3, 2, 1 बूम गाइस, जैसे मैं सबमिट करूंगा सेम उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो डेटाबेस पे देखो, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है यूजर डेटा PHP MyAdmin के थ्रू, एंड देन उसके अंदर एक टेबल बना रखा है यूजर इन्फो। जैसे मैंने क्लिक किया बूम गाइस, देखो अभी जस्ट ID बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट है, थापा टेक्निकल, thapa@thapa.com, मोबाइल नंबर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस आपके वेबसाइट बैकएंड से भी अटैच है, हमने बैकएंड में भी कोड लिखा यूजिंग PHP। ये देखो पूरा इस तरीके से लिखने वाले, तो एक कंप्लीट वेबसाइट है। तो गाइस अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो देन दिस इज द बेस्ट वीडियो। तो गाइस आपको तो यूजफुल हो रहा है क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो, लेकिन आपके जितने दोस्त हैं जिनको अभी तक शायद ये वीडियो उन्होंने नहीं देखा और उनकी बहुत जरूरत है, या जो वेब डेवलपर या मतलब वेबसाइट क्रिएट करना चाहते देन ये गाइस उनके लिए परफेक्ट है, तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम बिल्कुल एकदम स्क्रैच से देखने वाले, पूरा का पूरा डेटाबेस क्रिएट करेंगे PHP में, किस तरीके से सब हो रहा है। एंड देन आप में से डाउट आता है तो इसलिए मैंने एक और पेज भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, मैं इतनी जल्दी बना दूंगा आप लोग को लगेगा वाह यार ये तो इतना ऑसम था, ठीक है। ऑलराइट गाइस, एंड डोंट वरी, इसका जो सोर्स कोड होगा वो अपने मैं वेबसाइट thapatechnical.com पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए गाइस शुरू करते, तो सबसे पहले इतना याद रखो कि हम क्या करने वाले, अगर जब भी आपको अगर PHP में वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है, देन यू नीड अपाचे सर्वर। तो मैंने जैम सर्वर को ऑलरेडी ऑन कर लिया है, आप देख सकते हो अपाचे सर्वर ऑन है, MySQL डेटाबेस के लिए दोनों को मैंने ऑन कर दिया। और ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस इससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप जाओगे वीडियो में तो आप देखोगे कि गाइस मैं SQL के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया था SQL इन 2 आवर्स करके, और मैंने PHP के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में भी अगर जाओगे, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग को कुछ डाउट आया तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी MySQL ट्यूटोरियल में जैम कैसे इंस्टॉल करना है ये जो है ये पूरा डिटेल बताया, MySQL के पूरा ऊपर बताया है, ठीक है। एंड देन ये जो प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो, इसमें आपको PHP MySQL जितने फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस के सभी लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप काम करते हो तो वो हमेशा होता है जैम के अंदर, ठीक है। तो देखो जब भी आपको बैक एंड एंड डेटाबेस अटैच करना हो एंड देन अगर आप जैम्प वैम्प या लैम्प यूज करो, सो लोकल आपका जो मेन लोकल ड्राइव होता है, ठीक है, उसमें जाओ जहां पे आपने इंस्टॉल किया जैम्प को, तो जैम्प पे जाना है, STDocs करके जो फोल्डर होता है इस पर हमेशा जाना है। एंड देन यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ, हम स्टार्टिंग से देखेंगे यूट्यूब वेबसाइट, इस तरीके से लिखा, परफेक्ट, ठीक है, हो गया। इस वेबसाइट के अंदर गाइस मेरे पास एक इमेजेस नाम के फोल्डर, इसको मैं कॉपी कर लेता, बाकी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर इमेजेस है मेरे, ठीक है। दिस इज इट, मैं इतना ही रखने वाला हूँ, बाकी सब आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। इस पर मैं जाता हूँ ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, ठीक है, ओपन फोल्डर, आपको सी ड्राइव पे जाना है, जैम के अंदर जाना है, HTDocs के अंदर, यूट्यूब एंड बूम गाइस, बस खत्म, इसको हटा दो, नहीं चाहिए,
इतना हुआ, इमेजेस के अंदर इतने सारे भरे पड़े, तो सबसे पहले आपका जो हमेशा जो भी फाइल बनता है गाइस इंडेक्स डॉट पी एच पी बनाओ, एंड देन आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी बना सकते थे, बट इट विल बी बेटर अगर आप पी एच पी बनाओ. सो न्यू फाइल, एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वो होगा अबाउट डॉट पी एच पी, क्योंकि आपको अबाउट पेज भी चाहिए. देन मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सी एस एस, क्योंकि ये एक अच्छा रूल है, अगर भले एक ही फाइल हो तब भी एक सी एस एस का फोल्डर बनाओ स्टाइल डॉट सी एस एस, थोड़ा सा सी एस एस देने के लिए. एंड एक और चीज़ बाकी है, वो है आपका गाइस आप क्या ही नाम दोगे उसको, आप दे दीजिए यूज़र इन्फो, यूजर इन्फो. आप यहाँ पे भी इसको पेज का नाम भी यूजर इन्फो दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यूजर इन्फो डॉट पी एच पी, मतलब आपका यूजर का जो डेटा होगा उस पर जाएगा. ठीक है, ये बेसिकली हम इस पर वो डेटाबेस का कोड लिखने वाले, पी एच पी एंड माई एस क्यू एल का कोड, ताकि जो भी यूजर वहाँ पे वेबसाइट पे लिख रहा है वो हमारे डेटाबेस पे सब जाके स्टोर हो जाए, इंसर्ट हो जाए. इतना अबाउट नीचे, ठीक है. तो देखिएगा इसमें क्या यूज करने वाला, बूटस्ट्रैप 4 यूज करने वाला हूँ. एंड एचटीएमएल सीएसएस भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैंने सोचा जब बूटस्ट्रैप 4 है, एंड बिलीव मी गाइस अगर आप प्रोफेशनल वर्क करोगे कंपनी में तो बूटस्ट्रैप से ही यूज करते हैं. आप समझ रहे, मतलब एचटीएमएल सीएसएस में अगर आपको 100 लाइन का कोड लिखना है, बूटस्ट्रैप आपके लिए वो 5 लाइन में लिख देता है. तो आप 100 लाइन लिखोगे या 5 लाइन लिखोगे, ठीक है, और रिकमेंड भी सब बूटस्ट्रैप ही करते, तो इट विल बी बेटर आप बूटस्ट्रैप आप यूज करो. तो कैसे यूज करना है बूटस्ट्रैप, सबसे पहले एचटीएमएल लिखो. एंड मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी आपको ये दिखाई दे सबसे टॉप पे डॉक टाइप, इट मीन्स आप एचटीएमएल 5 यूज कर रहे हो, एचटीएमएल नहीं. ठीक है, इतना हुआ, अरे कंट्रोल एस से परफेक्ट, इतना हुआ. अभी हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है गाइस सबसे नीचे, एंड ये वाला जो कोड है मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट, और ये व्यू पोर्ट तो, और हाँ मैंने ये तो बताने भूल गया ना आपको गाइस, ये रेस्पॉन्सिव भी है. इंस्पेक्ट पे जाऊंगा मैं, ठीक है, ये मत सोचो कि खाली वेबसाइट के लिए बनाया है, ये देखो परफेक्ट, ठीक है एकदम. और यहाँ पे भी अगर मैं अबाउट पे कर दूंगा क्लिक, ये देखो कैसा लगा आपको. ठीक है, ये फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, मैंने मीडिया क्वेरी पे 1000 बार बताया कि कैसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बट इट इज रेस्पॉन्सिव, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली है, पूरा आपका फॉर्म परफेक्टली आता है. ये देखो गैलरी एक के नीचे एक आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस परफेक्ट आ रहा है. एंड इतना ही नहीं, आपका ये देखो गाइस आवर सर्विसेस परफेक्ट, मतलब सब कुछ है गाइस इस एक वीडियो में. आपका पूरा वेबसाइट से लेके रेस्पॉन्सिव बनाने से लेके बैक एंड एंड डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा जो यूजर एंटर कर रहा है उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करना सब है इसमें. ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज है गाइस. एंड आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, एंड थोड़ा सा भी पसंद आए तो नीचे लाइक कर देना, एंड 1000 लाइक का टारगेट करते हैं, ठीक है इसको. ऑल राइट, इतना हुआ, बूटस्ट्रैप पे जाता होगा, ऐसे आपको आंख बंद करना और ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना, क्योंकि ये सीडीएन लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिंक हमेशा हैड टैग के अंदर होना चाहिए. एंड इट विल बी बेटर कि अगर आपका जितना भी स्क्रिप्ट वाले टैग है, ठीक है, इसको एकदम बॉडी के नीचे चिपका दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पहले ये लोड हो जाए. एक सेकेंड, पूरा का पूरा आ गया शायद, इसको हटा देता हूँ, इतना ठीक है परफेक्ट. अभी कुछ नहीं, इतना सिंपल है. अभी सिंपल अगर मैं एक H1 वेलकम टू माय चैनल इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार जस्ट टेस्ट करते कि बूटस्ट्रैप लगा है या नहीं, इसको कॉपी फाइल पाथ के. एंड अब एक चीज देखो, कभी भी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो ना, तो ये एचटी डॉक्स से पहले का हटा दो, यू हैव टू राइट लोकल होस्ट देन ओनली वो दिखाई देगा, वरना मेरे मतलब एक मुझे क्वेश्चन आया था कि सर मेरा जो यूट्यूब ये जैम में जो लिख रहा हूँ मुझे कोड दिखाई दे रहा है. तो देखो गाइस अगर आप डिट्टो कॉपी फाइल पाथ करोगे तो आपको कोड ही दिखाई देता है. तो आपको क्या करना है, एचटी डॉक्स तक हटाना है, डिलीट करना है, एंड देन यू हैव टू राइट लोकल होस्ट, तो आपका ये आ जाता है इस तरीके से. ठीक है, इसको हटा दिया, परफेक्ट, इतना हो गया. अभी फिलहाल ये तो हमें नहीं चाहिए, कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस. अभी मुझे चाहिए नैप बार, सबसे पहले टॉप पे चाहिए नैप बार. ठीक है, सो आप लिखो सिर्फ बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप लिखो, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट बूटस्ट्रैप करके जो है मेन, इस पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में आना. और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा टास्क आया कि मेरे को 1 घंटे के अंदर वेबसाइट चाहिए चाहिए, तो गाइस आप क्या पूरा कोड खुद से लिखोगे. बूटस्ट्रैप का यही बेस्ट पार्ट है कि ये सीएसएस का एक लाइब्रेरी, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाता है. सो यू हैव टू गो टू कंपोनेंट्स. आज मैं आपको एक पूरा खतरा तरीका बताना, आपको मजा ही आ जाएगा. ठीक है, एंड सॉरी कंपोनेंट्स में जाके फिर आपको नैप बार में जाना है. यहाँ पे जाते हैं अपन नैप बार में, नैप बार मतलब टॉप का जो होता है ना अपना मेन्यू नेविगेशनल, उसके लिए. सो इसको पूरा करो आप कॉपी, मैंने किया कॉपी, ठीक बॉडी के नीचे आता हूँ, एंड आई विल पेस्ट इट, इस तरीके से कर दिया गाइस मैंने पेस्ट. ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एंड बूम गाइस ये देखो वी हैव दिस ब्यूटीफुल 100%. देखो हमारा परफेक्टली एक मेन्यू बन चुका है. ठीक है, अब मेन्यू को थोड़ा सा आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, लाइक आप अपना नाम लिख दीजिए थापा टेक्निकल, है कि नहीं,
थापा टेक्निकल लिखा। और ये एक काम करो, जैसे मैंने लिखा परफेक्टली थापा टेक्निकल हुआ, ये मुझे इस साइड चाहिए। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है नैब बार नैब, ये जो मार्जिन राइट ऑटो लिखा ना, दैट इज द रीजन वाई गाइस वो उस साइड दिखाई दे रहा है। एंड बिलीव मी आप में से बहुतों को ये भी डाउट आता कि गाइस इसको यहाँ कैसे भेजो, तो सिंपली मार्जिन राइट के बदले हैव टू राइट मार्जिन लेफ्ट एंड देन ऑटो एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो इधर आ गया परफेक्टली। ठीक है, सो ये ड्रॉप डाउन हमें नहीं चाहिए, तो आप ड्रॉप डाउन को फेंक दो। वी ऑल्सो एक सेकेंड, मैंने कुछ और फेंक दिया, ठीक है कोई नहीं, इसको भी हटा दो, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक पंगा ये है कि ये लिस्ट ये किसका लिस्ट है, इसको भी हटाओ। इस तरीके से गाइस हटाया हमने सब कुछ। अभी क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट। ऑल राइट, एक्चुअली मेरा ये कंट्रोल जो है ना गाइस, ये कंट्रोल की वो काम नहीं कर रहा थोड़ा सा, इसलिए यार इसको भी आप हटा दो। परफेक्ट, तो ये जो लिंक लिखा है ना गाइस, इसको आप कर दो अबाउ, सॉरी अबाउट नहीं, सर्विसेस कर दो, सर्विसेस, हाँ इस तरीके से स्पेलिंग अच्छे से लिख दो क्योंकि स्पेलिंग बहुत मैटर करता है। एंड देन गाइस इसको आप लिख दो अबाउट, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वाला है इसको आप कर दो कॉन्टैक्ट, इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर दिया। एंड अगर आप ये चाहते हो कि जब भी कोई अबाउट पे करे क्लिक, तो वो अबाउट डॉट पी एच पी पेज पे जाए, सो सिंपली राइट अबाउट डॉट पी एच पी, खत्म, इतना सिंपल। एंड कोई अगर होम पे क्लिक करे तो आपका होम पेज क्या है, इंडेक्स डॉट पी एच पी ना, सो इंडेक्स डॉट पी एच पी, इतना सिंपल। रिफ्रेश किया, परफेक्ट, ऑल राइट, अबाउट पे क्लिक किया तो देखो अबाउट डॉट पी एच पी पेज पे चला गया। ठीक है, इस तरीके से आया गाइस, इतना परफेक्ट हो चुका है। अब भी इसका कलर चेंज कर देते हैं, बीजी लाइट के बदले गाइस बैकग्राउंड कर दूंगा मैं डार्क। जैसे मैं कर दूंगा डार्क तो आपको टेक्स्ट दिखने से रहा फिर, ठीक है। ऑल राइट, टेक्स्ट दिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नैब बार डार्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, पता नहीं क्या नाटक इनका, नैब बार डार्क बोलने से तो काला होना चाहिए, उल्टा ये व्हाइट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ब्यूटीफुल। नाउ वी नीड अ कैरोजॉल, अब मुझे कैरोजॉल चीज, सो कैरोजॉल बूस्टर 4 पे आना है, मैं W3 School यूज कर रहा हूँ। कैरोजॉल पे जाइए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ब्यूटीफुल सा कैरोजॉल हमको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इतना आना है नीचे, कैरोजॉल ये वाला कैरोजॉल उठाना है अपने को, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एड कैप्शन वाला जो है, इसको गाइस आप ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस ठीक इस जगह से इसको डिट्टो कॉपी करना है, ऑल राइट। यहाँ पे आए, ठीक इस नैप के नीचे आके इसको पेस्ट कर दो, दिस इज इट, इतना सिंपल। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस ये देखो लॉस एंजलिस गया, न्यूयॉर्क आया एंड देन चिकागो, ठीक है, इतना हुआ गाइस सिंपल। अभी एक्चुअल में इमेज नहीं आ रहा क्योंकि इमेज आएगा कैसे, तो ये देखो आपका कैरेजॉल इनर, उसके अंदर डीप एंड वी हैव दिस इमेज टैग, तो इसको हटाओ। हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर CC1 करके डॉट JPG मैंने फोल्डर रखा हुआ है, इतना हुआ। इस तरीके से लिख लिया गाइस, अब इसी को ही मैं करता हूं कॉपी, ठीक इस जगह पे कर देता हूं पेस्ट। एंड देन इसको पेस्ट किया, सो वापस इसी को ही यहां पे भी कर देता हूं मैं पेस्ट, परफेक्टली। अब यहां पे इसको मैं कर देता हूं 4, यहाँ पे इसको मैं एक्चुअली, आप ये सोच रहे तो गाइस कुछ नहीं, मैंने नाम दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो 3 2 1 बूम गाइस, देखो परफेक्ट, देखो कितना मस्त दिख रहा है कि नहीं, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब भी एक प्रॉब्लम है कि गाइस कंप्लीट नहीं आ रहा, तो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि जब भी आप कभी भी कॉपी भी करते हो ना, तो एक परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। देखो यहाँ पे वी हैव अ स्टाइल, इसको मैंने किया कि विड्थ हमें पूरा 100% चाहिए, हाइट भी 100% चाहिए, वो तो इसलिए मैंने क्या किया था, CSS स्टाइल। अब सबसे पहले स्टाइल जब आप करोगे तो आपका पहला काम होना चाहिए गाइस, मार्जिन को कर दो 0, पैडिंग को कर दो 0, बॉक्स साइजिंग को भी कर दो बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बेसिकली बॉर्डर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। एंड देन इसको कर दो पेस्ट, दिस इज इट। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अभी जो आपने CSS लगाया वो ऐसे फ्री में थोड़ी ना लगेगा, लिंक तो दो उसको कि हाँ भाई ये CSS है बोल के। सो CSS नाम के फोल्डर में स्टाइल डॉट CSS, इस तरीके से हुआ गाइस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाता हूँ एंड सो 3 2 1 बूम गाइस, परफेक्टली हो चुका है। ये देखो एक प्रॉब्लम ये कि गाइस हद से ज़्यादा हाइट आ गया है कि नहीं, अपने को इतना ज़्यादा नीचे, सो डोंट वरी, वी हैव 90 VH, ठीक है। 100 VH लिखते तो कंप्लीट आ जाता, बट 90 VH क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन स्पेस का आया हुआ। सो देखो गाइस कितनी जल्दी, आई थिंक 10 या 15 मिनट में वी हैव दिस ब्यूटीफुल मेन्यू। एंड और इतना ही नहीं गाइस, ये रेस्पॉन्सिव है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये देखो ये रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो इसको हटा दिया, परफेक्ट, मोबाइल में भी एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। एक सेकेंड, iPhone 10 में कैसा दिख रहा है,
ऑलरेडी आईफोन 10 है तो गैलेक्सी S5 में अच्छा है, एंड नोकिया N9 में, वाह परफेक्ट, ठीक है इतना बा। नाउ वी नीड अबाउट अस पेज, हमें क्या चाहिए गाइस, वी नीड दिस अबाउट अस पेज, सो इसे कोई कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाता हूँ, एंड आप देखो गाइस मैं हार्डली CSS यूज करने वाला हूँ, तो यही होता है एक्चुअल वर्क, जहाँ पे गाइस आपको मतलब जितना कम आप CSS टच करोगे उतना बेहतर है। सो डीव इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H3 के अंदर इस तरीके से लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है, सेक्शन में दे देता हूँ मार्जिन टॉप एंड डाउन से मुझे चाहिए पूरा का पूरा 5 पिक्सल का, इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ, सो वी हैव अ अबाउट अस एज सेंटर। अब एक चीज का इसमें हमेशा एक फॉन्ट है मेरे पास जोसेफिन करके, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, बस आपको क्या करना है जो लिंक आपने कॉपी किया एकदम टॉप पे जाके उसको कर दो पेस्ट, एंड देन उसका जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है फॉन्ट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करो कि मुझे पूरे के पूरे पेज में चाहिए, सो इस तरीके से मैंने एकदम हमारे जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है उसको ही पकड़ा दिया। तो गाइस अब आप चेंज देखो, ये जो अबाउट अस ऐसे दिखा 3 2 एंड बूम गाइस, नाउ लुक कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है इतना हो गया, सिंपल था ये। एक काम करते हैं कि ये जो H3 है ना, इंस्टेड ऑफ H3 लेट्स गो विथ H2, हाँ H2 चलते हैं, कंट्रोल S से एक बार देखते फॉन्ट कितना बड़ा हुआ, ऑल राइट ठीक है परफेक्ट, इतना बहुत है तो बड़ा हुआ भी है नहीं मेरे को मालूम नहीं चला, लेकिन ठीक है इतना बहुत है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जाते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रिड सिस्टम, मुझे क्या चाहिए गाइस, देखो यहाँ पे क्या है परफेक्टली इतना एक स्पेस, जितना स्पेस इसको हम दे रहे हैं उतना ही स्पेस ये भी ले रहा है, ठीक है सो ये कैसे हुआ, मतलब दोनों परफेक्टली इक्वल स्पेस कैसे ले सकते हैं गाइस, उसके लिए हमारे पास क्या है, वी नीड टू यूज अ ग्रिड सिस्टम। तो अब हम ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपली मैं अब जाता हूँ यहाँ पे है कि नहीं, अब देखो इसके अंदर गए, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रो, अब मुझे बराबर स्पेस चाहिए, तो गाइस ग्रिड सिस्टम में हमारे पास क्या है मैक्सिमम 12 कॉलम ले सकते हैं हम, ठीक है सो मैं लार्ज डिवाइस पे 6 दे रहा हूँ इमेजेस को, ठीक है मीडियम डिवाइस पे भी 6 दे रहा हूँ, लेकिन मोबाइल में मैं 12 दे रहा हूँ ताकि एक के नीचे एक दिखाई दे हमें, एंड देन आप अगर इमेज लोगे सो इमेजेस के अंदर इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सो इमेजेस के अंदर आपको जाना है, एंड देन आपको गाइस वो फाइल का नाम लिखना है, तो आप सोच सकते हो कि आपको कौन सा फाइल चाहिए कैसा फाइल चाहिए, ठीक है तो मैं सिंपली फाइल का नाम दे देता हूँ, सो गाइस इसको मैं CC आई थिंक 3 करके है, हाँ एक बार देख लेते क्या ये CC3 में क्या आता है वो देख लेते, रिफ्रेश करता हूँ, ऑल राइट गाइस आप देख सकते हो परफेक्टली, ओ माई गॉड इतना बड़ा। तो गाइस आपको क्या करना है, टेंशन लेना ही नहीं है, इमेज फ्लूड रख देना है, एंड दिस इज इट, इतना ब्यूटीफुली हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, ठीक है सो यहाँ पे जाओ क्लास पकड़ लो, एंड देन पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो PY लिखा एंड मैक्सिमम है हम 5 दे सकते हैं, सो नाउ इट लुक्स ऑसम, ठीक है इसके बाजू में मुझे टेक्स्ट चाहिए, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रोल बार है जो कि नहीं आना चाहिए कभी भी, इतना याद रखना। सो इस तरीके से आपने ये जो रो लिखा है ना गाइस, यहाँ पे आप एक काम करो कि वो ये कि इसको एक कंटेनर के अंदर रख दो, है कि नहीं, इस तरीके से डिव रखा मैंने, डिव को क्या क्लोज, यहाँ पे आता हूँ इसको भी करता हूँ क्लोज, एक सेकेंड ये क्लोज नहीं हुआ, तो इस तरीके से गाइस ये वाला जो डिव है वो उसका डिव है, और इसको कर दो कंटेनर फ्लूड इस तरीके से, ठीक है ये हमेशा याद रखना कि या तो कंटेनर फ्लूड होना चाहिए, एंड परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो कि आपका वो जा चुका है नीचे, स्क्रोल बार कभी नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है इतना हुआ। अब भी मैं क्या करता हूँ कि ये एक और रो हुआ, अब इसको वापस कॉपी एंड पेस्ट, ये इमेज में मुझे नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ इमेज आई विल यूज H2, यहाँ पे गाइस में मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना आई एम थापा टेक्निकल, सो कॉपी यहाँ पे किया पेस्ट इस तरीके से, ठीक है उसके नीचे वही है अब पैराग्राफ टैग, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एंड देन उसके नीचे गाइस याद रखो कि बटन मत दो, एंकर टैग दो, इट विल बी बेटर, ठीक है क्योंकि ये अबाउट अस है ना, तो अबाउट डॉट PHP, अब वो बटन पे क्लिक करने पे भी जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है वाना नो मी, आप लिख सकते हो चेक मोर या कुछ भी लिख दो, है कि नहीं इतना लिखा, एंड कंट्रोल एस सेव कर दूंगा, तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा परफेक्टली, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, तो जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया भाई, है कि नहीं,
माई गॉड सी क्या है ऐसा ऊपर नीचे, तो इमेज को मुझे सेट करना पड़ेगा। सो गाइस इमेज को मैं क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ अबाउट इमेज, ABOUTIMG, स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए ठीक है। यहाँ गया स्टाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे अबाउट इमेज को गाइस मैं विड्थ तो 100% दे दूंगा ठीक है, लेकिन हाइट आई थिंक 250 दे देते, अब डिपेंड्स है कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ कैसे दिख रहा है। ऑल राइट अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, और मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। कभी भी कुछ एक सेकेंड मोबाइल नीचे हमें देखो, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हमने इमेज फ्लूड करके क्लास यूज करी, वहां पे क्या है हाइट ऑटो है बाय डिफॉल्ट, तो जितने भी बाय डिफॉल्ट वाले होते हैं ना गाइस उससे अगर छुटकारा पाना तो यू हैव टू राइट इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं भाई मैं इसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, मुझे ऑटो नीचे 250 ही चाहिए। सो 3:1 एंड परफेक्ट। देखो अब मुझे इसको थोड़ा सा सेटिंग करना है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ये जो है क्लास इसको मैं गाइस डिस्प्ले फोर दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक है। ये जो मेरा क्लास है ये जो मेरा पैराग्राफ है इसको मैं पैडिंग देता हूँ ऊपर एंड नीचे से 5 का, एंड ये जो मेरा क्या बोलते हैं आप इसको मेनू बोल दीजिए या क्लिकेबल एक लिंक एंकर टैग, इसको अगर आप क्लास पकड़ा दोगे बटन का तो गाइस बटन दिखेगा एंड सक्सेस, तो हरा कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा एंड बूम गाइस। ये देखो एक सेकेंड कुछ ज्यादा ही हो गया ये। सो पैडिंग कम कर देता हूँ, पैडिंग 3 कर देता हूँ, तो ये आपको देखना है कि किस तरीके से परफेक्ट दिखता है। ऑल राइट गाइस नाउ इट लुक्स ऑसम, एकदम परफेक्ट ठीक है, हमारे अबाउट अस काम हो गया। अब आपने देखा कि मैंने अभी तक CSS हार्डली यूज किया है ठीक है, एकदम हार्डली पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप से काम चला रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस इसी को ही कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरा सर्विसेस। सो सर्विसेस मतलब क्या, ये पार्ट आवर सर्विसेस चाहिए मुझे ठीक है। ब्यूटीफुली हमें 3 ग्रिड दिखाई दे रहा है, 3 कार्ड्स, तो 12 कॉलम होता है मैक्सिमम 3 दिखाना, इट मीन्स 4 4 4 वी हैव 12 कॉलम्स। इस तरीके से लिखा गाइस, इंस्टेड ऑफ अबाउट अस मैं क्या लिख देता हूँ आवर सर्विसेस ठीक है, इस तरीके से लिखा। एंड देन गाइस सबसे पहले तो इसको क्लोज करो, परफेक्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक डिव ले लेता हूँ, क्लास पकड़ा देता हूँ कंटेनर फ्लूड। देन अगेन गाइस आप देखो कि पूरा एकदम मस्त मजा आने वाला है, रो लिखा ठीक है। यहाँ पे अब मैं डिव ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टोटल कितने चाहिए, 4 सॉरी 3 कार्ड चाहिए ठीक है, तो मुझे 4 4 एंड 4 का स्पेस चाहिए। सो लार्ज डिवाइस पे मुझे चाहिए 4, मीडियम में भी मुझे चाहिए 4, एंड देन जो मेरा मोबाइल होगा उसमें पूरा कंप्लीटली 1 मुझे चाहिए। इतना लिखा, बूटस्ट्रैप 4 पे आइए, कार्ड्स देखिए किधर है, वी हैव अ कार्ड्स यहाँ पे ठीक है, एकदम नीचे आओ आपको दिखाई देगा कौन सा। ऑल राइट ये वाला परफेक्ट इज बिकॉज वी हैव इमेज, यहाँ पे चिपका दो इसका सेटिंग सेटिंग ठीक है, इस तरीके से गाइस सेटिंग अच्छे से कर दो। इतना हुआ, अब भी एक काम करता हूँ, ये जो भी है एक सेक्शन जो है गाइस मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी ब्यूटिफाई करके रखा हुआ है तो कर दूंगा परफेक्ट। ये देखो अब कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से ये जो विड्थ है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रिड पकड़ा दिया है, और ये जो सोर्स का इमेज है एक काम करते हैं, इमेज को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखा सकूँ। तो इमेज ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए गाइस, क्लास क्लास नहीं इमेजेस के अंदर CC, मैंने अभी तक 2 नहीं लिखा है, 2.jpg। अब ये देखते हैं ये 2 में क्या आने वाला है ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। सो 3:2:1 एंड बूम गाइस, ये देखो वी हैव दिस ब्यूटीफुल, एक सेकेंड, ये जो जॉन डोई लिखा है ये नहीं, मुझे नीचे ब्यूटीफुल नेचर लिख देता हूँ मैं क्योंकि नेचर कसम से बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो इस तरीके से एक सेकेंड ये क्या हो गया ठीक है, इस तरीके से ब्यूटीफुल नेचर लिख दिया मैंने एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ। नाउ गाइस इट लुक्स ऑसम ठीक है, सी प्रोफाइल आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। सो गाइस इतना हो गया है, एक आ गया, इट मीन्स अब सब अपने आप आ जाएंगे ठीक है, ये रो इधर है ये डिव इधर है। सो ये एक काम करता हूँ, ये जो डिव है कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है ना, इसको मैं करता हूँ कॉपी। बेसिकली हमें 3 बार चाहिए ना, 2 एंड 3, दिस इज इट गाइस, इतना मैंने किया। और आप जादू देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत सही है, देखो सिंपली कितना ही टाइम लगा, कैरोजॉल हुआ अपना, अबाउट अस हो गया, आवर सर्विसेस हो गया है, एंड इट लुक्स ऑसम, परफेक्टली अलाइनमेंट है देखो, ऊपर नीचे नहीं एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में, जबकि मैं CSS यूज भी नहीं कर रहा हूँ सिंपली। हाँ आवर सर्विसेज हो गया। ऑल राइट गाइस नाउ अब क्या है हमारे पास, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गैलरी, एंड बिलीव मी गैलरी तो मैं आपके सामने 1 मिनट में बना के दिखाता हूँ। देखो कॉपी ठीक है, क्योंकि सेम पीस ऑफ कोड है, पेस्ट वापस एक बार देख लो कुछ ठीक है, क्लोज हो गया ये भी परफेक्ट, एंटर हिट नाउ।
अगेन यहाँ पे एक डीप ले लेता हूँ गाइस, चलता है ये, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, नो प्रॉब्लम। एक सेकेंड, क्लास नहीं आ रहा, मत लिखो फिर ठीक है, मेरा ऑटो कम्प्लीट दिखा नहीं रहा वो। वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरा ऑटो कम्प्लीट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने हटाया उसको। क्लास दो अगेन आपको कंटेनर फ्लूड, यहाँ पे अगेन गाइस आपको ग्रिड सिस्टम यूज़ करना है। तो आप देख रहे हो कितना यूजफुल और कितना मस्त है ये ग्रिड सिस्टम, मैंने मतलब कितना ईजी कर दिया। रो लिख दो नाउ। अब गाइस एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1 2 3 है सेम वही, इसको देखो मैं कैसे देता हूँ। लार्ज डिवाइस के लिए मुझे चाहिए 4 4, स्मॉल डिवाइस, स्मॉल नहीं, मीडियम डिवाइस के लिए भी मुझे चाहिए, एमएस नहीं यार, मीडियम डिवाइस के लिए भी 4, एंड देन जो मेरा मोबाइल है 12, कम्प्लीटली एक चाहिए, एक के नीचे गाने जाने चाहिए। सो यहाँ पे इमेजेस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं cc1.jpg लिख देता हूँ, और इमेजेस तो लिखा ही नहीं मैंने, इमेजेस फोल्डर के अंदर cc1 पकड़ा देता हूँ, एंड क्लास क्लास क्रॉस ओरिजिन नहीं, क्लास दे देता हूँ इमेज फ्लूड। एंड वन मोर थिंग, दैट इज पैडिंग मुझे देना पड़ेगा बॉटम का, एंड कितना दूँ, 3 दे देता हूँ ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैंने पैडिंग बॉटम क्यों दिया। दिस इज इट, एक बार अगर आपका एक आ गया ना तो बिलीव मी गाइस, वो जो बाकी के जितने भी है वो इतने इजीली आ जाएंगे आप सोच नहीं सकते। देखो एक आया, अब मैं आपको जादू दिखाऊं, ये नहीं, इसको सिर्फ ये वाले जो पोर्शन है इसको देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किया एंड 3 2 1 बूम गाइस, ये देखो कैसा लग रहा है आपको, खतरा है कि नहीं ठीक है। पैडिंग गाइस थोड़ा आप इनके बीच में हॉरिजॉन्टली गैप ज़्यादा, वर्टिकली कम है, तो वर्टिकली अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो पैडिंग बॉटम जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, और कंट्रोल डी करके आप एक साथ सबको मैनेज कर सकते हो, एक बार 4 करके देखते कैसा होता है। ऑल राइट, नाउ इट लुक्स परफेक्ट, ऑसम। तो इस तरीके से गाइस आपका गैलरी भी आपके सामने बन के रेडी है, एंड ये जो कुछ भी बन रहा है ना, बिलीव मी गाइस आपको टच करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये आपका रेस्पॉन्सिव बन रहा है। ये देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोने में, ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल आपका दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो, नेचर ब्यूटी थापा टेक्निकल, सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपका है iPhone 10 देखते, ये देखो मतलब एकदम मस्त है कि नहीं। आवर सर्विसेज हुआ, आवर सर्विसेज के बाद क्या है, ऑल राइट सॉरी, आवर गैलरी था ना ये तो। सो स्पेलिंग हटा दो गाइस, यहाँ पे जाते हैं आवर गैलरी, कंट्रोल एस सेव, ये सेक्शन गया। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। तो आपने देखा गाइस कितनी इजीली, मतलब अगर आपको 1 घंटा बोले तो आप कितनी इजीली बना सकते हो, बस ये कि बूस्टर अच्छे से कर लो, है कि नहीं, इतना हुआ। अब गाइस मुझे चाहिए फॉर्म, एंड बिलीव मी फॉर्म बहुत सिंपल है, तो इसके लिए भी एक डिव ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक सिंपल सा डिव ले लेता हूँ, इस तरीके से डिव ले लिया। यहाँ पे गाइस मैं आपको फॉर्म एक बना के दिखाता हूँ खाली, एंड देन बाकी सब मैं आपको कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। क्लास नहीं, फॉर्म में सबसे पहले जाएगा गाइस आपका एक्शन ठीक है, और मैं जो मैंने क्या बना रखा है, यूजर इन्फो, मतलब चाहता हूँ कि जब भी कोई सबमिट करे तो उस पेज पे जाए, उस पेज पे हम गाइस अपना बैक एंड कोड लिखने वाले, एंड मेथड जो होगा वो होगा अपना पोस्ट, पोस्ट के थ्रू, पोस्ट या गेट आपको मालूम है, बट पोस्ट हम यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो गाइस मैं डिव ले लेता हूँ, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है कि वो बोलता है फॉर्म ग्रुप ठीक है, मतलब फॉर्म को ग्रुप फॉर्म करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस यूजर नेम, इस तरीके से यूजर नेम लिख दिया ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इसको टेक्स्ट देता हूँ। नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम आपका जो होगा वही आपको उधर पास करना है, एंड देन इसको भी आपको क्लास देना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं क्लास नहीं देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप नहीं देते हो क्लास तो क्या होता है। देखो यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस कुछ आज, एक सेकेंड जूम कर देता हूँ, वो माय गॉड कुछ ज़्यादा जूम हो गया ये, देखो मोबाइल रेस्पॉन्सिव व्यू पे आ गया ये ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, कम जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो ऐसा दिख रहा है। ये मुझे परफेक्ट दिखाना हो तो क्या करूँ, तो गाइस एक सेकेंड, मैं इसका पहले तो ऑटो कम्प्लीट ऑफ कर देता हूँ, ताकि पहले का कुछ दिखे ना ठीक है। ऑटो कम्प्लीट ऑफ किया गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट क्लास, क्लास में आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल, दिस इज इट, इतना लिखना है एंड रिफ्रेश कर देना है, परफेक्ट है, देखा कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है अभी 100 में, ये देखो गाइस मस्त है कि नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वो जो इस तरीके से है बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसको अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे क्लास देता हूँ, विड्थ देता हूँ 50 का ठीक है, विड्थ दिया मैंने 50, एंड मार्जिन अगर मैं लिख दूँ ऑटो, तो मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ कि वो परफेक्टली सेंटर पे आ जाएंगे, ये देखो यूजर नेम एंड परफेक्टली सेंटर पे ठीक है, इतना हुआ।
अभी जो बाकी है मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। सो फॉर्म पे जाना है आपको, बूटस्ट्रैप के फॉर्म पे, ये वाले जितने भी है, ठीक है, इतना तो हो ही चुका है। अब इसी को ही कॉपी कर लो, है कि नहीं। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ यूजर नेम नाउ वी वॉन्ट ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम के बदले वी नीड अ मोबाइल नंबर। ये यूजर जो है ना गाइस, नेम आपको चेंज करना, नेम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल, ठीक है, बाकी लेना देना ही नहीं अपने को बाकी से, तो बाकी एज इट इज भी रहा तो भी चलेगा। कॉपी कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, इधर नहीं, इधर टॉप पे जाके कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कमेंट, मतलब अगर आपका कुछ मैसेज करना हो, कमेंट करना हो, और ये इनपुट टाइप नहीं चाहिए, वो होता है गाइस आपका टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया मैंने लिखा, यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, इसको भी आप दे दीजिए फॉर्म कंट्रोल। उन्होंने बोला फॉर्म कंट्रोल दो तो दे देते, ठीक है, अपना क्या है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल दिया। यहाँ पे मैं जाता हूँ और कहाँ गया इस जगह पे गाइस, मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो परफेक्टली हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखो गाइस, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सेट नहीं हुआ ये अच्छे से। सो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म कंट्रोल लिखा, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं लिखा था, हमने कॉल्स लिख दिया। एंड नाउ गाइस इट लुक्स ऑसम परफेक्टली, देखो, ठीक है। अभी मुझे चाहिए नीचे सबमिट का बटन, तो गाइस सबमिट का बटन मैं कैसे लिखूंगा, एक बार यहाँ पे अपन जाते, सबमिट क्या होता है देखो, बटन को करो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। तो बटन टाइप विल बी सबमिट, और सबमिट होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि जब आप करोगे सबमिट वो ऑटोमेटिक इस वाले पेज पे चला जाएगा, यूजर इन्फो डॉट पीएचपी पे, ठीक है। इतना हुआ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो नाउ गाइस इट लुक्स ऑसम सबमिट, ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें सक्सेस ग्रीन कलर में चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम ग्रीन को फोकस करें, नेचर को। ऑल राइट, ब्यूटिफुल। अभी मुझे बस एक फुटर चाहिए, एंड बिलीव मी फुटर तो और भी इजी है। तो आप देख सकते हो गाइस, आपके सामने वेबसाइट बन के रेडी है इतनी जल्दी। यहाँ पे आप H3 ले लो, यहाँ पे लिख दो एट द रेट थापा टेक्निकल टेक्निकल प्रोडक्शन, किसका क्या जा रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन लिख दो। ऑल राइट, इतना लिखा। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं क्लास देता हूँ पैडिंग, ऊपर नीचे से दे देता हूँ 3 का, ठीक है, एक सेकेंड, क्लोज नहीं किया था, परफेक्ट। और मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ डार्क, टेक्स्ट दे देता हूँ वाइट, तो कैसा दिखता है एक बार वो देख लेता हूँ मैं पहले तो। ऑल राइट गाइस, इट लुक्स ऑसम। और ये क्या जूम हो रखा है क्या, नहीं, तो ये गाइस ये H3 मत दो, इट विल बेटर अगर आप पैराग्राफ चिपका दो, क्योंकि H3 का फॉन्ट बाई डिफॉल्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, इट विल बी बेटर। हाँ अब ये अच्छा दिखाई दे रहा, मुझे सेंटर में चाहिए ये। सो टेक्स्ट सेंटर्स नहीं, सेंटर, एंड परफेक्ट गाइस। ये देखो आपके सामने वेबसाइट बन के रेडी है, वो भी प्रॉपरली, वो भी रेस्पॉन्सिव कैरेजोल के साथ। और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, ये अबाउट का पेज बनाना, ठीक है। लेकिन लेकिन अबाउट का पेज बनाने से पहले आप लोग बहुत आई थिंक एकदम एक्साइटेड हो ये देखने के लिए कि अब मैं डेटाबेस कैसे क्रिएट करूं। ऑल राइट, तो गाइस अब हम पहले ये क्रिएट करते कि जब भी कोई करेगा सबमिट, उसका डेटा हमारे डेटाबेस पे शो हो जाए, ठीक है। तो PHP माई एडमिन पे जाना है आपको, आपको करके दिखाता हूं पूरा एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। सो गाइस आपको ये अपाचे सर्वर आपका ऑन होना चाहिए, इतना याद रखना। PHP यूज करना है तो ये आपका अपाचे ऑन, एंड देन MySQL के लिए MySQL, ठीक है। सो आपका जो लोकल होस्ट है उसमें लोकल की स्पेलिंग रॉन्ग है, लोकल होस्ट में आपको जाना PHP माई एडमिन, तो लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश PHP माई एडमिन, न्यू पे आप करो क्लिक, तो आपका नया डेटाबेस। आप क्या लिखोगे डेटाबेस का नाम गाइस, यूट्यूब यूजर डेटा, ठीक है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, मैंने कर दिया क्रिएट। अब मुझे टेबल बनाना है, टेबल मैं बना देता हूँ यूजर इन्फो डेटा, यूजर इन्फो डेटा। और कितने कॉलम्स चाहिए मुझे गाइस, देखो कितने कॉलम्स चाहिए मुझे, अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 कॉलम, लेकिन एक आईडी होता है यूनिक प्राइमरी की हमेशा, ठीक है। तो टोटल हुए कितने, 5, यहाँ पे कर देता हूँ 5, यूजर इन्फो डेटा मेरा टेबल का नाम है, गो पे कर देता हूँ क्लिक, परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको चाहिए आईडी, इंटीजर रहने दो 255 मैक्स। थोड़ा सा आगे जाओ गाइस, आपका ये जो नॉट नल बाय डिफॉल्ट है, इंडेक्स में प्राइमरी कर दो उसको। ऑल राइट, प्राइमरी की हो चुका है। एंड आप अगर सोच रहे हो ना अभी भी ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, तो मैंने गाइस ये देखो MySQL ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इन हिंदी बना रखा है,
ठीक है, ये तो सीरीज अभी कंटिन्यू ही है। एंड सबसे बेस्ट एसक्यूएल एंड माइस्क्यूएल इन 2 आवर्स इन हिंदी, इसमें आपको सब पता चल जाएगा। एंड मैंने पीएचपी इन वन वीडियो भी बनाया, तो गाइस उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ। अभी तो प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जब भी कोई नया यूजर उस पर एंटर करेगा उसको एक न्यू यूनिक आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस मुझे चाहिए यूजर वेर केयर, मतलब वेरिएबल लेंथ वाले कुछ भी लिख सकते इस पे। देन वी नीड ईमेल, इसको भी कर देता हूँ वेर केयर 255 का। ये मुझे चाहिए मोबाइल, ऑलरेडी मैंने बहुत बार लिखा तो ऑटोमेटिक आ रहा, वाह कितना इजी है गाइस। अगर मैंने जो मेरा जो सीरीज है ना वो मैं सीएमडी के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखो मोबाइल आपको वेर केयर देना गाइस, अगर आप इंटीजर दोगे तो बाई डिफॉल्ट कुछ तो 2, 1, 3, 4, 7 उसका जो मैक्सिमम नंबर है वो आता है जो कि रॉन्ग है, तो मोबाइल वेर केयर देना। देखो इतनी इजीली टेबल क्रिएट हो गया, सेव पे कर दो क्लिक। ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल टेबल आईडी यूजर ईमेल मोबाइल एंड कमेंट, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ऑन रहना चाहिए बस, ठीक है। इसलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये नहीं कि मिनिमाइज कैंसिल कर दिया तो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल राइट गाइस, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर फील्ड्स भी बना दिए। अब ऑल राइट, अब भी जब भी कोई बटन पे करेगा क्लिक, वो जाने वाले हैं यूजर इन्फो डॉट पी एच पी वाले पेज पे। सो गाइस यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको पी एच पी स्टार्ट करना है, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने कर दिया उसको क्लोज, परफेक्ट। अब इसके अंदर ही आपको सब कुछ लिखना है, तो सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो ये MySQL सर्वर है क्या होता है, अगर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड कहाँ गया, क्या लिखा है, डेटाबेस सर्वर, बेसिकली आपका MySQL सर्वर। उससे पहले आपको कनेक्शन करवाना है, ठीक है, आपको कनेक्ट होना है। सो मैंने एक वेरिएबल बना लिया डॉलर कॉन करके। सो ये देखिए इस तरीके से गाइस कमांड है, अब MySQL आई यूज करना है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, इंटरनेट भी बोल सकते हो। MySQL को आपको कनेक्ट करना है, सबसे पहले आपको आपका लोकल होस्ट बताना है, जो आपका होस्ट है सर्वर क्या है, आपका लोकल होस्ट। देन आपको आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट और रूट होता है, और पासवर्ड तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं दिया, तो एज इट इज रख दो। इफ डॉलर कॉन, अगर कनेक्शन हो चुका है हमारे MySQL सर्वर के साथ, देन एको करा दो, ये बताओ कि कनेक्शन सक्सेसफुल है, स्पेलिंग परफेक्ट लिखो सक्सेसफुल। एल्स नहीं हुआ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, नो कनेक्शन लिख दो इस तरीके से, है कि नहीं। एक बार मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं खाली कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ बस देखने के लिए कि हुआ कि नहीं, तो मैं बस इस पर कर देता हूँ क्लिक, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब कनेक्शन हो गया, अब उसके बाद गाइस रूल मैंने आपको बताया अच्छे से, ये पूरा जो मैं MySQL का सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि डेटाबेस एक बार क्रिएट, देन आपको डेटाबेस को करना होगा सेलेक्ट। एक सेकेंड, आप में से शायद बहुतों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, प्रॉब्लम नहीं मतलब सीएमडी में भी कैसा होता था, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो गाइस मैं हूँ इधर आपको दिखाने के लिए, सीडी जैम, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आप में से शायद बहुतों को, एक बार दोनों दिखा देता हूँ ना, पीएचपी माई एडमिन, और मैं इसमें टेबल नहीं क्रिएट करूंगा, खाली बता रहा हूँ इसमें MySQL, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हम कनेक्ट होते थे, यूजर, सॉरी यूजर नहीं, मेरा यूजर नेम था रूट, पासवर्ड कभी था नहीं, यहाँ पे जो मेरा होस्ट था वो मेरा था लोकल होस्ट, एंड दिस इज इट, इस तरीके से हुआ। मैंने अभी अगर मैं सो डेटाबेसेस करता तो मैंने जस्ट आपके सामने एक बनाया, अभी क्या बनाया था मैंने, यूट्यूब यूजर डेटाबेस, यूज यूट्यूब यूजर डेटा, डेटाबेस चेंज हो गया। अब सो सो टेबल्स, ये देखो गाइस यूजर इन्फो करके मैंने जस्ट आपके सामने बनाया था, एंड आपको इसको करना है डिस्क्राइब, सो यूजर इन्फो एंड देन डेटा एंड बूम गाइस, देखो आईडी यूजर ईमेल एंड मोबाइल, तो इस तरीके से कुछ होता है ये, ठीक है। और ये जो हो मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, तो अभी मुझे डेटा, अभी ये देखा आपने क्या किया मैंने, यहाँ पे यूज लिखा मैंने, मतलब मुझे ये डेटाबेस चाहिए अब, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अपने को पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आई मीन डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। सो MySQLi _ सिलेक्ट, इस तरीके से आपको लिखना है सिलेक्ट _ डेटाबेस, दिस इज इट गाइस, इस तरीके से लिखना है। एंड इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो सर्वर है, सर्वर का नाम क्या है, डॉलर कॉन, उसके अंदर आपका जो डेटाबेस का नाम है गाइस, आपका डेटाबेस का क्या नाम है, ये देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गाइस डेटाबेस का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो टॉप पे देखिए आपको डेटाबेस दिखाई देता है जो हमने क्रिएट किया था, इसको क्या कॉपी यहाँ पे जाके कर दिया मैंने पेस्ट, परफेक्ट।
अब देखो गाइस, यूजर जो अपने वेबसाइट पे लिख रहा है ना कुछ भी, वो मुझे बेसिकली इस पेज पे उसको मुझे एक्सेस करना है, तभी तो मैं इंसर्ट कर पाऊंगा ना। जब उनका वैल्यू क्या है मैं जब एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो इंसर्ट कैसे करूंगा। उसके लिए हमारे पास होता है ये नेम नाम का एट्रीब्यूट। तो ये यूजर, ईमेल, मोबाइल एंड कहाँ गया एक और, ऑलराइट यहाँ तो दिया ही नहीं हमने। यहाँ पे नेम पकड़ाओ एंड इसको लिख दो गाइस, आपको लिखना है कमेंट करके इस तरीके से, ठीक है। कमेंट्स लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस। अब मुझे ये सब चाहिए यूजर, देखो इसको मैं अब एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे, और हमारा कौन सा मेथड है गाइस एक्सेस करने के लिए, पोस्ट। तो देखो डॉलर यूजर करके एक वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर, यू हैव टू राइट पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक सिंगल कोट्स एंड दिस इज इट। यहाँ पे आपको खाली वो नाम लिखना। अब इस तरीके से जब भी कोई यूजर लिख के मतलब कुछ भी अपना इन्फो लिख के सबमिट करेगा ना, तो ये यूजर की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल पे जाके स्टोर हो जाएगी, सिंपल। उसी तरीके से गाइस ईमेल इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखते ही आ जाएगा, एंड इस तरीके से लिख के यहाँ पे आपको लिख देना है ईमेल इस तरीके से, परफेक्ट। सेम फॉर मोबाइल, इस तरीके से डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिख के यहाँ पे आपका गाइस आ जाएगा मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा, एंड देन सेम आपका फॉर कमेंट्स इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखते ही स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट एंड सेमी कॉलम एंड यू हैव टू राइट कमेंट्स, परफेक्ट। इतना हुआ, तो आपने वेरिएबल को कर लिया है एक्सेस। नाउ सिंपल से क्वेरी लिखेंगे, हमें अब क्वेरी फायर करना है, वो ये कि क्वेरी का वेरिएबल में दे देता हूँ क्वेरी। यहाँ पे देखो गाइस, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके एसक्यूएल पे जा सकते हो, यहाँ पे सॉरी एसक्यूएल पे नहीं, कहाँ गया आपका ये, पहले तो टेबल सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाते हैं एंड देन अगर आप जाओगे एसक्यूएल पे तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कमांड रेडी है। लेकिन गाइस मैंने आपको सीरीज में बताया, बहुत सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। आपका टेबल का नाम क्या है ये देखो, यूजर इन्फो डेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल का नाम ये है, इसके अंदर पैरेंथेसिस। अब क्या चाहिए आपको, पहला फील्ड मेरा यूजर था, दूसरा मेरा ईमेल था, तीसरा मेरा था मोबाइल, ठीक है, मोबाइल, चौथा था मेरा कमेंट्स, परफेक्ट। अब इसमें मुझे चाहिए वैल्यूज, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, मुझे अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। तो कौन से वैल्यू, ये वाले वैल्यू, तो ये वाले यूजर में मतलब ये तो बेसिकली अब मेरा टेबल है, ये उसका फील्ड है। तो इसमें जब भी यूजर कुछ लिख के सबमिट करेगा तो इस यूजर पे ये यूजर ने अपना जो भी नाम लिखा वो आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कॉमा, फिर यहाँ पे वापस कर देता हूँ कॉमा, फिर वापस कर देता हूँ कॉमा, फिर वापस, ठीक है। अब ये जो सेकंड ईमेल के बदले यूजर जो भी अपना ईमेल डाल रहा है वहाँ पे वो आ जाना चाहिए, मोबाइल के बदले यूजर जो भी अपना मोबाइल नंबर डाल रहा है वो आ जाना चाहिए, एंड देन ये जो कमेंट्स है उसके बदले ये वाला कमेंट जो भी वहाँ डाल रहा है वो आ जाना चाहिए। अब ऑटो इंक्रीमेंट दिया है मैंने उसको पहले वाले को, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई गाइस हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, अब बस मुझे इसको क्वेरी को फायर कर देना। तो कैसे, माई एस क्यूएल आई अंडर इसको क्वेरी लिख देना, दिस इज इट। इतना सिंपल लिख था गाइस, एक सेकेंड, ये डॉलर नहीं चाहिए क्योंकि वेरिएबल थोड़ी ना बना रहे यार। माई एस क्यू एल आई क्वेरी एंड दिस इज इट गाइस, सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कराओ एंड देन ये क्वेरी को कर दो फायर यहाँ से, इसको ये कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज इट गाइस। इतना ही करना था और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल था, ये हो चुका है हमारा सब काम। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार टेस्ट कर लेते, रिफ्रेश। ऑल राइट गाइस, तो अब फाइनली देखते, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूँ विनोद, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ thapa@thapa.com, ये मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है, टाइम पास है, ठीक है। ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक शेयर एंड एंड की स्पेलिंग रॉन्ग। तो गाइस अगर हो जाता है सब्सक्राइब, आपको सीखने मिला तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ऑल राइट, कनेक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। नाउ इम्तिहान की घड़ी, ये रहा टेबल इधर पे, मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश एंड आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमें डेटा नहीं आया अभी भी। अब क्यों नहीं आया उसको हमें देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि प्रॉपरली यहाँ तो कोई देखो कोई एरर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। डॉलर क्वेरी है, यूजर इन्फो डॉट पी एच पी है, यहाँ पे भी यूजर इन्फो डॉट पी एच पी, कनेक्शन सक्सेसफुल। एक काम करते कि एक बार ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एको लिख लेता हूँ और लिख देता हूँ एक सेकेंड, एको के अंदर एक क्वेरी में फायर करके ये देखता हूँ कि डेटा वहाँ पे हमें दिख भी रहा है या टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है। विनोद यहाँ पे लिख देता हूँ thapa@thapa.com, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड कैप्स बंद हो गया, लाइक ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है ठीक है, एंड सब्सक्राइब गाइस, इस तरीके से लिखा स्माइल फेस। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ऑलराइट कनेक्शन सक्सेसफुल, ये यहाँ तक दिखा चुका। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यूजर इन्फो डेटा पे जाता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है। तो आप क्या करते हैं गाइस, टेबल पे करो क्लिक, स्ट्रक्चर पे जाओ एंड एक चीज नोटिस करो कि नाम परफेक्ट एक नहीं, आईडी प्राइमरी की ठीक है, यूजर ईमेल मोबाइल एंड कमेंट, यहाँ पे जाओ इंसर्ट इनटू यूजर इनफो यूजर ईमेल। ऑल राइट गाइस आप देख सकते हो, देखा एक एक प्रॉब्लम के कारण, देखो यहाँ पे क्या है, फील्ड में क्या है कमेंट, और यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने कमेंट्स, कमेंट्स नहीं चाहिए यार। और ये क्वेरी को रहने दो, यहाँ पे आप माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी को फायर करना पड़ेगा ठीक है, इतना लिखा। अब ये जो क्वेरी आप फायर करोगे यहाँ पे गाइस डॉलर कनेक्शन के डेटाबेस के साथ, डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट होना ही है, एंड देन यू हैव टू राइट क्वेरी इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव एंड आई रियली होप गाइस अब इस समय आ जाना चाहिए ठीक है। तो मैं जाता हूँ बैक, इसको हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ लिखता हूँ विनोद, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस थापा एट द रेट थापा डॉट कॉम, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गाइस अगेन भगवान जाने किसका मोबाइल नंबर है ये ठीक है, एंड देन यहाँ पे गाइस कैप्स में लिख देता हूँ लाइक शेयर एंड इस तरीके से लिख दिया मैंने सब्सक्राइब, अरे एक स्माइली फेस तो बनता है। ऑल राइट ये एरर कुछ क्या है ठीक है, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस कनेक्शन सक्सेसफुल, वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा है एंड नाउ इम्तिहान की घड़ी आ गई, इस पर क्लिक करता हूँ मैं एंड बूम गाइस ऑल राइट आप देख सकते हो हमें हमारा डेटा आ चुका है वन विनोद थापा। इतना मतलब आज आप अपने एक वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला आपको, एक प्रॉब्लम है कि गाइस एक के साथ एक फ्री मिला, बाय वन गेट वन फ्री वाला केस हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो फील्ड आ रहा है वो एम्प्टी आ रहा है। उसका रीजन ये है कि एक बार तो क्वेरी फायर हुआ लेकिन अगेन हम उसको कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, तो वापस वो उसी पेज पे उसको एक बार कॉल कर दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जब इस पेज पे जब भी कोई सबमिट पे क्लिक करे वो उसी पेज पे ही रहेगा, सो हमें वो ऐसा नहीं दिखाना है, इस तरीके से नहीं दिखाना है उनको। सो व्हाट वी हैव टू राइट गाइस, वी हैव टू राइट हेडर, इस तरीके से हमें लिखना है, हेडर लिख देना है यहाँ पे गाइस, आपको लिखना है लोकेशन ठीक है, आपको लिखना है लोकेशन, कौन सा लोकेशन हमें भेजना है, आपको लिखना है आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी, इस तरीके से दिस इज इट। तो इसमें हम ये बोल रहे कि जैसी क्वेरी होगा फायर डायरेक्ट उसको ये लोकेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है इस वाले पेज पे जो है लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी पे रीडायरेक्ट कर दो, बस इतना करना है। मैं बैक जाता हूँ, हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, अब दिस टाइम गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा, यहाँ पे गाइस मैं लिख देता हूँ थापा एट द रेट थापा डॉट कॉम ठीक है, यहाँ पे अगेन गाइस किसी का भी नंबर पता नहीं किसका नंबर है, एक सेकेंड 10 दे देता हूँ कमेंट पे। अगेन गाइस आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, क्योंकि इस वीडियो में गाइस आपको सब कुछ है ठीक है, आई थिंक ऐसा वीडियो नहीं है यूट्यूब में, ये आपको सब कुछ मिलेगा सबमिट बूम गाइस, हम उसी पेज पे है ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ रिफ्रेश एंड परफेक्ट, अब देखो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, बाय वन गेट वन नहीं है, बाय वन एंड एक ही मिलेगा आपको, तो आपको ये हो चुका है, तो सब कुछ हो गया गाइस। इसको मैं परफेक्टली 100 कर देता हूँ, आपका डेटाबेस भी आ गया, तो अब जो भी यूजर डालेगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब सिर्फ बचा है तो एक चीज वो ये कि अबाउट पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो अबाउट का पेज कैसे आया ठीक है। सो देखो गाइस अबाउट इधर है, मैं क्या करता हूँ कि ये देखो नैब बार तक तो मेरा सेम है आपको मालूम है ठीक है। अब आप सोच नहीं सकते गाइस, मैं आपके सामने 2 मिनट में करके दिखाता हूँ, देखो ये नैब बार तक मैंने किया कॉपी ठीक है, ये जो हमें चाहिए क्लोज कर दिया मैंने, एंड ठीक उसके नीचे गाइस मुझे चाहिए जम्बोट्रोन, मुझे क्या चाहिए जम्बोट्रोन। सो जम्बोट्रोन कहाँ है भाई, जम्बोट्रोन पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो उसको मैंने किया कॉपी ठीक है, ये जो मेरा यूज अबाउट है मैंने आपको बोला ना अभी, देखो कितने कम समय में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, इस जगह पे जाता हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, और ये जो मैंने लिखा है थापा टेक्निकल इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस थापा टेक्निकल लिख देता हूँ ठीक है, और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस ये देखो थापा टेक्निकल आ गया, ये आपका होम पेज, ये आपका अबाउट पेज। अब उसके नीचे एक और सेक्शन है, उसके लिए क्या, तो गाइस आपको मालूम है हमने ऑलरेडी अबाउट सेक्शन पे काम किया था, ये हमारा आवर सर्विस है ये, तो ये देखिए हमारा सेक्शन है अबाउट सेक्शन, इसको मैं करता हूँ कॉपी ठीक है, ये जो अबाउट है ठीक इसके नीचे
पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली एक का एक बन जाता है। देखो अबाउट सेक्शन गाइस आपके सामने ही 2 मिनट में कंप्लीट। एंड देन जो आपका फुटर है वो फुटर ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। तो फुटर है गाइस इसको भी करो कॉपी एंड यहाँ पे चिपका दो, दिस इज इट गाइस। इतना सिंपल था, यहाँ पे जाता तो आपने देखा आज इस एक वीडियो में हमने पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट बनाया मल्टीपल पेजेस के साथ, डेटाबेस से कनेक्ट किया, डेटा को शो भी कराया, ठीक है। और मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ गाइस, अभी जैसे एक और पेज बनाता हूँ कि जैसे लेट्स से कि मेन्यू वाला पेज बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया मेन्यू डॉट पी एच पी, ठीक है। अब आपका ये जो नेब बार था, ठीक है, ये जितने भी नेब वाला जो कंटेंट था, मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो नेब है इसको आप करो यहाँ से हटा दो कम्प्लीटली और मेन्यू डॉट पी एच पी पे रख दो। कंट्रोल एस सेव किया और ठीक इस जगह पे जहाँ पहले हम इतना लंबा लिख रहे थे, अब इस तरीके से आप पी एच पी। सो गाइस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंक्लूड लिखना है, ठीक है। इस तरीके से इंक्लूड लिख दो यार, यहाँ पे सिर्फ लिख दो मेन्यू डॉट पी एच पी। ये देखो इस तरीके से आप करोगे तो जहाँ पहले कितना लाइन लिख रहा था अब सिर्फ एक लाइन पे हो जाएगा। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड होम पे जाता हूँ, ये देखो गाइस परफेक्टली होम पे मैंने मेन्यू नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लाइन लिखा और मेन्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। उसी तरीके से गाइस आप अबाउट पेज में भी ये देखो आपका नेव बार कहाँ है, 14 से लेके पूरा 41 स्पेस खा रहा है। तो इसको कम करने के लिए गाइस अगेन, ठीक है, तो ये देखो गाइस इस तरीके से गाइस इतना फायदा है इसका। यहाँ पे आप लिख दो पी एच पी लिखा, यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अगेन लिख दो मेन्यू डॉट पी एच पी। और इसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो गाइस, इट डिपेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश, अबाउट को भी कर देता हूँ रिफ्रेश, तो परफेक्ट देखो मेन्यू अपने जगह पे है। सिर्फ इस एक लाइन से लिखने से गाइस अब आपका कितना लाइन बच चुका है। तो इसी तरीके से गाइस आप फुटर का अलग कर सकते हो, जैसे रिएक्ट में आप कंपोनेंट करते थे, इसको भी एक टाइप का कंपोनेंट आप बोल सकते हो कि खाली इंक्लूड करना है अब आपको। सो गाइस इसका फायदा ये कि अगर आपको कभी भी मेन्यू में कुछ चेंज करना रहा तो आपको फिर इस पूरे पेज पे चेंज करो, फिर अबाउट पे आके चेंज करो, है कि नहीं। अब क्या है सिर्फ मेन्यू का आपका अपना खुद का पेज है, यहाँ पे एक बार जो चेंज कर दिया, जैसे कॉन्टैक्ट अस लिखना था तो एक बार यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिख दिया गाइस, दोनों में चेंज हो जाएगा। देखो कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट अस, अदरवाइज कितना मेहनत लगता है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, हमने देखो पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट दिखा। आप लोग का जो कहना था कि HTML CSS Bootstrap PHP MySQL करके डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए पूरा एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो गाइस मैंने आपको बना के दिखाया एंड मैंने अपना जॉब किया। गाइस इसका जो सोर्स कोड होगा उसको पाने के लिए मैं गाइस क्या करूँगा, एक लिंक अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, उसको मैंने कुछ लिखा अपने बारे में, ठीक है, उसको आप एक बार रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा सोर्स कोड आपको कैसे मिलने वाला है। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया एंड थैंक यू सो मच आपने इतने देर तक देखा वीडियो, ठीक है। सो गाइस इसी तरीके के ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको कहीं और से ढूंढना ना पड़े। एंड ऐसे ऑसम वीडियोस में गाइस डालता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर दो, ठीक है, टारगेट होगा 1000 लाइक। एंड कमेंट करो, शेयर कर दो, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।